लोग कहा करते थे कि इनको खाली राम जन्मभूमि मंदिर चाहिए, लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन सकता है, वहाँ बाबरी मस्जिद बनेगा, लोग कहा करते थे कि ये लोग भगवा आतंकवादी हैं, लोग कहा करते थे कि ये लोग किसी एक दल के व्यक्ति हैं। अब बताओ राम किसी दल के हैं? बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता, लुटेरा, देश में कत्लेआम करने वाला, लाखों बहन बेटी बहू का इज्जत लूटने वाला, करोड़ों हिंदू जनमानस को धर्मांतरण कराने वाला। पूछना चाहता हूं, जवाब दो अखिलेश यादव, या तो तुम अपने अब्बा जान से पूछो, जवाब दो। मैं तुमसे जवाब मांगता हूं कि क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर बनाओगे? क्यों नहीं बनाते? तुम तो वंशज कहते हो ना कि भगवान कृष्ण के वंशज है, वो तो मेरे यादव भाई को भी मुसलमान बनाने पे तुला हुआ है। आज जातिवाद बांटने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, साधु साधु साधु, राम राम राम, अयोध्या अयोध्या करके हिंदू को भरगलाने का, ठगने का, ये सब कालेमी है। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये लोग भरगलाने का काम करते, हिंदू जनमानस को ठगने का काम करते, या इनका भाव है। आज अफगानिस्तान में तेल फ्री है, अफगानिस्तान में तेल फ्री है, जो हम यहाँ 40 लाख में फोर व्हीलर खरीदते हैं वहाँ 4-5 लाख में मिलता है। अब सोच लो भाई, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया, हिंदुत्व के लिए बात उन्होंने कहा था भाई, रोटी कपड़े मकान के लिए हर पार्टी करती है, विकास तो हर पार्टी करती है, कोई 100 रुपये करती है, कोई 10 रुपये करती है, वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन हिंदुत्व पे कौन काम किया? किसी ने नहीं काम किया ना, एक बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी ने कहा था राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे, राम जन्मभूमि मंदिर बना। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी का चुनावी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब हनुमानगढ़ी अयोध्या में पहुंच चुका है। अयोध्या से हमने चुनावी प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और चुनावी प्रोग्राम का नाम है चुनावी कुंभ 2022। पहला इंटरव्यू हमारे साथ मौजूद है महंत राजू दास जी, जो हनुमानगढ़ी से महंत हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, भगवान राम की जन्म धरती पर आप लोग आए, ये वो अवध है अजय, वो अयोध्या है जो कभी किसी ने जीत सका, और इसकी साम्राज्य पूरे विश्व में रही है, इसकी आधिपत्य सनातन धर्म संस्कृति से उदय से लेकर और अस्त तक रहेगी, ऐसी भाव ऐसी विचारधारा सनातन संस्कृति की है। अयोध्या समेत पूरे देश और विश्व से लोग राम मंदिर जो के मुद्दे पर एकजुट हुए, सनातन संस्कृति की जीत हुई और अब राम मंदिर बनने जा रहा है, कितना बड़ा मैसेज जाता है यहाँ से, अयोध्या से पूरे देश में और दुनिया में? देखिए, विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत 70 वर्ष मुकदमेबाजी के बाद, विगत लमसम 30 वर्ष भगवान को टेंट में रहने के बाद, यह क्षण यह अवसर उच्चतम न्यायालय के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री संत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में लाइन आर्डर मेंटेन करते हुए, और यह कार्य सफल हुआ। भूतो न भविष्यति, क्योंकि लोग कहा करते थे जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, उस दिन किसी भी प्रकार का जो रूटीन में जो अपराध क्राइम होते थे वो भी नहीं हुए, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग कहा करते थे कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, जो लोग कहा करते थे राम काल्पनिक, जो लोग अयोध्या का नाम जिह्वा पे नहीं लेते थे, ना राम जन्मभूमि के तरफ रुख करते थे, राजनीतिक दल के तमाम राजनेता अयोध्या से जुड़े थे, फिर भी एक दल को छोड़कर, एक संगठन को छोड़कर बाकी कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था, इसके नाते नहीं करता था कि उनके मन में डर था कहीं एक कौम नाराज ना हो जाए हमसे, इसके नाते अयोध्या के लोग नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज देखिए कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, हम लोगों में अपार खुशी है और साधु संतों से लेकर हिंदू जनमानस में अपार हर्ष है कि जिसकी नाम की हम गुणगान करते हैं, जिनके नाम की रोटी खाते हैं, जिनके नाम पर अयोध्या वास करते हैं
और हम ठाट में हैं, वो टाट में थे, हम मस्ती से रहते थे और वो कष्ट में रहते थे, ऐसा साधु जन भाई हम लोग तो भगवान के अति प्रिय, हमारे भगवान अति प्रिय हम लोगों के हैं, फिर भी देखकर कष्ट होता था। लोग कहते थे, राजनीतिक दल के लोग जब हम कहा करते थे कि डे टू डे सुनवाई हो, जल्द फैसला आए, तो लोग कहा करते थे इससे भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा। लोग कहा करते थे कि इनको खाली राम जन्मभूमि मंदिर चाहिए। लोग कहा करते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन सकता है, वहाँ भव्य मस्जिद बनेगा। लोग कहा करते थे कि ये लोग भगवा आतंकवादी हैं। लोग कहा करते थे कि ये लोग किसी एक दल के व्यक्ति हैं। अब बताओ, राम किसी दल के हैं? राम तो आराध्य हैं, पारब्रह्म परमात्मा है, वो किसी दल के नहीं है, सबके हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पेटेंट है। जिस तरह आपने बताया, वैसे ही कई आरोप जो है वो लगाए जाते थे, जब तक राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हो गया तब तक कहा जाता था कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस तरीके के ताने मारे जाते थे। आज उन सबको क्या जवाब मिल गया? सभी के सेकुलर और टुकड़े टुकड़े गैंग, बावरी के वंशज, देश विरोधी लोगों के मुंह पर करड़ा तमाचा है। बावर कौन था? विदेशी आक्रांता, लुटेरा, देश में कत्लेआम करने वाला, लाखों बहन बेटी बहू का इज्जत लूटने वाला, करोड़ों हिंदू जनमानस को धर्मांतरण कराने वाला। और बताओ, वो कैसा धर्म? जिसका आका एक लुटेरा हो वो कोई धर्म होता है क्या? उसका कोई आइकन ऐसा हो सकता है क्या? बाबर को लोग आइकन अगर मुसलमान मानते हैं तो उन मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा उसके आदर्श हो सकते हैं, संत पुरुष हो सकते हैं, तो उस धर्म से क्या मतलब है? वो धर्म कहाँ होता? धर्म हो गया। नंबर दो, कि लोग कहा करते थे कि ये लोग रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज देखो, हम रामलला भी आए, भूमि पूजन भी किया, देश में लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस से संघर्ष भी किया, त्याग भी दिया, बलिदान भी दिया, उसके बाद ऐसा सुनहरा अवसर आया, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया, काम शुरू भी कर दिया, काम चालू भी हो गया, काम चल भी रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी हृदय स्थली थी, देश का मस्तक था जम्मू एंड कश्मीर, जो लोग कहा करते थे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज वो सलाखों के पीछे है, 370-35 को खत्म करके और वहां पर हिंदुओं को बसाने का काम शुरू कर दिया, वो भी तो हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तब फिर अब आपने देखो, रिसेंट में बयान आता है अखिलेश यादव, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है राम पे, राम तो सबके हैं, अब कह रहे राम सबके नहीं, अब कह रहे राम सबके हैं। उस समय में पहले उनके अल्लाह हुआ करते थे, उनके जो अब्बा जान हैं, जब टोपी पहनकर ये लोग नमाज पढ़ते थे, टोपी पहनकर मुसलमानों को ठगते थे, टोपी पहनकर मुसलमानों को ये लोग टोपी पहनाते थे, मुसलमान इनके ऊँट के हथियार थे, ऊँट के व्यंग थे और कुछ भी नहीं, मुसलमान इनके उपभोग के वस्तु हैं, अभी तक ये मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। आज राम की याद कैसे आ गई? नहीं नहीं, इसके नाते राम आज इनको याद आ गया, क्योंकि हिंदू जनमानस एकत्रित हो गया, हिंदू जनमानस में एकता आ गई। हिंदू जनमानस को मैं कोट कोट प्रणाम करूंगा, जिन्होंने जाति पाति मजहब को भूलकर एक मत से एक साथ हिंदुत्व का साथ दिया, और जिसका प्रणाम स्वरूप है पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की, पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की। और आज देखिए कि आज सब लोग गर्त में मिल गए, सबके सब खत्म हो गए, राजनीतिक दल के जितने लोग हैं सबको हिंदुत्व के ऊपर आना पड़ गया। तो ये महाशक्ति, हिंदुत्व ही एक ऐसी महाशक्ति है, हिंदुस्तान में राज वही करेगा जो हिंदुत्व पे बात करेगा, जो सनातन धर्म के लिए करेगा, जो सनातन संस्कृति के लिए करेगा, जो साधु संतों के लिए करेगा, जो भगवान से राम के लिए करेगा। भगवान से राम उसके लिए चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, जिसका प्रणाम स्वरूप है कि नीचे से ऊपर तक सरकार इसके डर के मारे, शौक में वो नहीं कर रहे हैं, राम भारतीय जनता पार्टी की पेटेंट नहीं है, राम सबके हैं, शौक में नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सही में तुम हिंदू हो, ओरिजिनल हिंदू हो, तो मथुरा में
भगवान श्री कृष्ण की मंदिर जैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हिंदू जनमानस बना रही है, स्वयं सेवक के लाखों कार्यकर्ता ने बलिदान दिया, लाखों राम भक्तों ने शहादत दी, लाखों स्वयं सेवकों ने अपने आप को कुर्बान किया और लाखों साधु संतों ने शहादत दिया, उसके बाद जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बन रहा है, वैसे ही तुम अगर ओरिजिनल में हिंदू हो, अगर हिंदू की ओर से जीतते हो, तो जिसके तुम वंशज अपने आप को कहते हो, तुमने तो भगवान को भी बांट दिया। पूछना चाहता हूं, जवाब दो अखिलेश यादव, या तो तुम अपने अब्बा जान से पूछो, जवाब दो, मैं तुमसे जवाब मांगता हूं कि क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर बनाओगे? क्यों नहीं बनाते? तुम तो वंशज कहते हो ना कि भगवान कृष्ण के वंशज है, तुम तो भगवान को भी जातिवाद में बांट दिया ना, परमात्मा किसी जात के नहीं है, फिर भी तुमने बांटा, कहा कि नहीं पेटेट है भगवान श्री कृष्ण मेरे, मैं उनका वंशज हूं, तो बताओ क्यों नहीं बनाते? बनाओ, डंके की चोट पे बनाओ, लेकिन नहीं कर सकते तुम, तुमको सिर्फ हिंदू जनमानस को बरगलाना है और कुछ नहीं। अभी तक तो बरगला रहे थे ना, जो क्या बात करेंगे वो, उन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर उनके अब्बा जान ने गोली चलवाई, निहत्थे कार सेवकों को उन्होंने भून दिया, उनके अब्बा जान ने क्या कहा कि 1000 राम भक्त नहीं, अगर 1,00,000 राम भक्त होते तो भी उनकी सीने गोली से छलनी कर देते, लेकिन मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूँ, जो मेरे मस्तक पर बावरी कलंक का ढांचा, कलंक का जो टीका लगा हुआ था, वो आज हम लोग के बीच में नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हिंदू जनमानस ने ध्वस्त कर दिया और पस्त कर दिया। यही नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अखिलेश यादव अगर ओरिजिनल हिंदू हो तो मथुरा काशी का निर्माण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे आपने कल्याण सिंह जी की बात की, तो कल्याण सिंह जी का जब निधन हुआ तो जो विपक्ष के दल थे वो भी सब उनके जो अंतिम संस्कार में पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग नहीं पहुंचे, तो ये किस तरीके की राजनीति है? आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि राम सबके हैं, राम कार्य के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कुर्सी को त्याग दिया, वहीं पर उनके अब्बा जान यहाँ पर गोली चलवाए, और उसके बाद देखिए कि ऐसे सहृदय नेता, उनके साथ भी तो कल्याण सिंह जी गए थे, तो वही समझकर कम से कम अंत्येष्टि में उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको डर था। क्या डर था? कि जो विदेशी लुटेरे के जो वंशज है ना, बाबर के औलाद जो हिंदुस्तान में है, पहली बात तो देश का बंटवारा गलत, चलो ठीक है बापू ने किया, बापू को 100 खून माफ, उसके बाद जिस प्रकार से 100% मुसलमान आतंकवादी, 100% मुसलमान राष्ट्र विरोधी, 100% मुसलमान सनातन धर्म संस्कृति विरोधी, 100% मुसलमान हिंदुस्तान का विरोधी, उनको डर है कि यह कहीं हमसे खिसक ना जाए, नाराज ना हो जाए, वो तो मेरे यादव भाई को भी मुसलमान बनाने पे तुला हुआ है, अखिलेश यादव, अखिलेश उद्दीन, ये हमारे मुसलमान भाइयों जो जो हिंदू के जो ओरिजिनल जो यादव भाई हैं, उनको हिंदू और मुसलमान भाई भाई का के, और जो है यादव भाई को भी मुसलमान बनाने पे तुला हुआ है, तो ये दुर्भाग्य है, उनको डर है कि कहीं हमसे मुसलमान नाराज हो जाता, इसके नाते वो स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट के अंत्येष्टि में वो नहीं गए। योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जब चुनाव में वो चुन करके आए, तब कई कयास लगाए गए कि उन्होंने वादे किए कि राम मंदिर के लिए काम होंगे, अभी 4.5 वर्ष में के अंदर कई चीज़ें जो पूरी हो गई हैं, अयोध्या में कई बार वो आते हैं, तो कितना बड़ा बदलाव उनके आने के बाद से दिखाई देता है? मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूँगा कि आपके कैमरामैन ऊपर से ही दिखा सकते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व, अभी 2-3 साल पहले तक भी तमाम गवर्नमेंट तमाम सरकारें रही है, आप लाइट देखते तो खाली तार का झंझावात आपको दिखाई देता, कहीं कोई पोल कोई खम्भा दिख रहा है, सब अंडरग्राउंड केबलिंग है और अच्छे अच्छे लाइटें लगी हुई है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर एक, जब अयोध्या जैसे आप एंट्री करेंगे नया घाट पे, आप देखेंगे राम की पैरी, जहाँ लोग वो राम की पैरी जहाँ लोग आचमन नहीं जल नहीं ले सकते थे, आज वहाँ पिकनिक स्थल हो गया, लोग खूब स्नान करते हैं। नंबर 3, अयोध्या में बस अड्डे नहीं थे,
वो तैयार हो गया। नंबर चार, पूरे विश्व को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्रीराम एयरपोर्ट के नाम से डेवलप हो रहा है। नंबर पाँच, दशरथ मेडिकल कॉलेज। नंबर छः, विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा लगना। नंबर सात, अयोध्या पौराणिक अयोध्या के साथ साथ नए अयोध्या बसाने के लिए हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करना। नंबर सात, यह अयोध्या की रोड की चौड़ीकरण। नंबर आठ, 84 कोसी परिक्रमा को व्यवस्थित करके फोर लाइन बनाने की योजना। नंबर नौ, 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत जो भी मठ है, मंदिर है, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है उसको पुनरुद्धार करना। नंबर दस, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर जितने भी तालाब हैं, कुंड हैं, उनका पुनर्निर्माण करना। नंबर ग्यारह, लगातार जब भी हमको लगता है कि 25 बार अयोध्या उनकी दौरा हुई है, लाखों करोड़ों रुपया का बजट देकर अयोध्या का विकास कार्य में तेजी करना और उसका स्वतः प्रधानमंत्री संज्ञान ले, प्रधानमंत्री भी उस बैठक करे और उस बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल होकर अयोध्या के विकास कार्य पर चिंतन करना। कौन कर सकता है भाई? अखिलेश जी इसके पहले थे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं किया? अखिलेश जी को भी करना चाहिए था, इससे पहले बुआ जी भी थी। आज जातिवाद बांटने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, साधु साधु साधु, राम राम राम, अयोध्या अयोध्या करके हिंदू को बरगलाने का, ठगने का, ये सब कालनेमी है। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये लोग बरगलाने का काम करते, हिंदू जनमानस को ठगने का काम करते, या इनका भाव है या इनका अभिप्राय है। अयोध्या लगातार योगी जी आ रहे हैं, योगी जी लगातार विकास कार्य की समीक्षा करते, विकास की गंगा बहा रहे हैं। हमको लगता है आने वाली जो सरकार होगी ये योगी जी की होगी, हिंदुत्व की होगी, और भी अयोध्या आपको दिखेगा। जिस दिन अयोध्या भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा, उस दिन आपको देखने में अयोध्या लगेगी कि यही अयोध्या है जो अभी तक राजनीतिक दल के लोगों ने ठगा। क्या वही अयोध्या है जो भगवान श्री राम की अयोध्या थी? तो अब अद्वितीय अयोध्या होने वाली। अंत में चाहूंगा, आखिरी में आप एक मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को दें, जो घर पे बैठे लाखों लोग जो आपको देख रहे हैं, कि वो किस तरह से अपना जो वोट है उसका सही से प्रयोग करें, और जो लोग उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, इस तरीके के लोगों से कैसे बचे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हिंदू जनमानस को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सड़े हुए जातिवाद के पचड़े से दूर हो जाओ। यह जातिवाद के कुचक्र में ये राजनीतिक दल के लोग आपको पीसते हैं और आपकी वोट के सौदागर हैं, करते कुछ नहीं हैं। यह टोपी खुद पहनते हैं और दूसरे को भी टोपी पहनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान, जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान। आप बताओ, पिछले सरकार में 5000 से ऊपर दंगे हुए, मुसलमान मारे गए होंगे, हिंदू मारे गए होंगे। आज के डेट में सबसे ज़्यादा कोई सुखी है तो मुसलमान है। सारे सरकारी का लाभ कोई ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है। ना कोई एक दंगा, ना कोई बवाल, कौन कौन ठीक है? मुसलमान ठीक है। तो मुसलमान के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, तुमसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो तुमको शोषण किया, जो तुमको राजनीतिक लाभ के लिए तुमको टोपी पहनाया, खुद टोपी पहनकर, ऐसे लोग से सावधान। और हिंदू जनमानस से विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग इन कालनेमियों के चक्कर में मत आना। इनको इतना दिन से तुमने देखा ना, आज अफगानिस्तान में तेल फ्री है, अफगानिस्तान में तेल फ्री है। जो हम यहाँ 40 लाख में फोर व्हीलर खरीदते हैं, वहाँ 4-5 लाख में मिलता है, अब सोच लो। लेकिन आज वहाँ पर मुसलमान है, ना कोई संगी है, ना कोई आरएसएसी है, ना कोई मोरे जैसे धर्म के ठेकेदार है, ना कोई बाबा है, ना बाबू है, ना ब्राह्मण है, ना हिंदू है, फिर भी मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, मुसलमान क्यों भगाए जा रहे हैं? ये सीख आप लोग अफगानिस्तान से लो, और आप इन कालनेमियों के चक्कर में मत बटो, आप इन कालनेमियों के कुचक्र में मत पड़ो, इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के आप जो है भाव में मत फंसो। आपसे अपील है कि आप लोग जिस प्रकार से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रकार पुनः 2022 में
उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ, यह विनम्र निवेदन है आपसे। और भाई क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया, हिंदुत्व के लिए बात उन्होंने कहा था, भाई रोटी कपड़े मकान के लिए हर पार्टी करती है, विकास तो हर पार्टी करती है, कोई 100 रुपये करती है, कोई 10 रुपये करती है, वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन हिंदुत्व पे कौन काम किया? किसी ने नहीं काम किया ना, एक बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी ने कहा था राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे, राम जन्मभूमि मंदिर बना रहे। बीजेपी ने कहा था 370-35 से खत्म करेंगे, देश को मस्तक को हम बचाएंगे, बचा रहा है भाई। लाखों राम भक्तों ने शहादत दिया, कुर्बानी दी। आप देखो यही जो है तमाम साधु संत जो है उत्तर प्रदेश जैसे भी मुख्यमंत्री के जो गुरुजी हैं उन्होंने अथक प्रयास किया राम जन्मभूमि के लिए। यहाँ हमारे हनुमानगढ़ी से अभिरामदास जी महाराज थे, उन्होंने संघर्ष किया। यहाँ रामचंद्र प्रभंस ने संघर्ष किया। यहीं गोंडा में जो है सांसद जी हैं बिजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने लाखों को हुजूम लेकर और लगातार प्रयास किया कि हाँ राम जन्मभूमि मंदिर किस प्रकार बने। तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि से लेकर साधु संतों से लेकर सबने शहादत दी, कुर्बानी दिया, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट और सहयोग करो। तो ये थे मर्सद महंत राजू दास जी, जिनका कहना साफ है कि चुनावी महाकुंभ 2022 के इस एपिसोड में इन्होंने बताया कि किस तरह से जो लोग हैं वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है उसने योगी आदित्यनाथ का काम देखा है और पूरे बहुमत से 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।